वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज है सितंबर 1st और आज है बहुत इंपॉर्टेंट राइड हमारी। हम जा रहे हैं लेह से नुब्रा वैली और खारदुंगला। रेडी हम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7:45 बज गए हैं, सामान सब बंधा हुआ है। और बाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, कल सारी बाइक साफ़ हो गई थी, बहुत गंदी थी। और कल हम लोगों ने रेस्ट करा, थोड़ा सा एक्यूमलाइज हुए यहाँ के वेदर से। आज तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है, सर में बिल्कुल भी हल्का सा भी दर्द नहीं है और थोड़ा सा गला बैठा हुआ, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो बस अभी बाइक पे सामान डालते हैं। एक हमारे साथ आज गाड़ी भी जा रही है, तो शायद मैं सामान अपना गाड़ी में डालूंगा, क्योंकि जितनी बाइक लाइट हो ना उतना अच्छा रहता है। तो जल्दी से चलता हूँ, मैं एक बार आपको रूम का नज़ारा दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा बैग पैक और ये है कैमरे का सामान सारा। अभी बस लगेज थोड़ा सा हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जब वापस आएंगे नुब्रा से तब लेह से ही या तो हम मनाली के रूट से जाएंगे या वापस श्रीनगर से, तो रास्ता यही रहेगा लेह से होके। तो इसलिए अननेसेसरी लगेज कैरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस जल्दी से बाइक पे चलता हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ। सही है, तो लग गया आज। और भाई ये 20 से 30 रुपए में मिलता है, आप खरीद भी सकते हैं, मगर खरीदना नहीं है, यू हैव टू अर्न इट, ये कमाना पड़ता है। पहले फ्यूल अप कराएंगे हम सीधा, यहाँ से नीचे जाएंगे हम जहाँ पे कल रॉयल इनफील्ड गए थे, यही रास्ता है नीचे जाने का। ये सीधा निकलेगा आपके गोल चक्कर पे, जो कि आने वाला रास्ता भी है, वहाँ पे HP का पेट्रोल पंप है, वहाँ से हम पेट्रोल डलवाते हैं। ये है भाई लद्दाख का क्रेज़, राइडर देख लो तुम कितने सारे हैं, सारे बुलेट, हिमालयन बुलेट क्लासिक, इधर है डोमिनार अपनी इंटरसेप्टर, इधर बुलेट। यहाँ से रोड कटती है खारदुंगला के लिए, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो राउंड अबाउट है, इससे ये लेना है हमको राइट खारदुंगला, 39 किलोमीटर्स, बिस्किट 118। तो ये वाला रोड है खारदुंगला के लिए। मार्केट लगी हुई है लोकल, यहाँ पे कपड़े वगैरह मिल रहे हैं गरम। नॉर्मल अपनी 70 की स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकते। RC लाइसेंस वगैरह चेक हो रहा है, हाँ दिखा दिया। क्या सागर, कह रहे लाइसेंस तो इसके नाम पे, RC किसी और के नाम पे है। साथ में है भैया, हम लोग साथ में भैया, साथ का बात नहीं होता है, ये यहाँ का यूनियन का अपना बाइक चलता है, ठीक है, तो दूसरा वाला बाइक नहीं जा सकता ना, तो यहाँ के इसके जगह दूसरा बाइक जाता है लोकल, वो भी कमा लेता है। अपना बाइक लेके नहीं, अपना बाइक तो लेके जा सकता है, दूसरे का नहीं ले सकता। ये है ना, फिर ये इसका मैंने छोड़ दिया ना जी, इनका लाइसेंस और ये आज से मैच कर दिया, मैच नहीं कर रहा नहीं, तो लाइसेंस तो इसका है। अरे कर दो सर, नहीं हो सकता, लाइसेंस तो चला तो दिल्ली से गुड़गांव से लेके आए हैं, अभी आप जाने नहीं देंगे तो जाओ ना, मैं रेंटल वाला बाइक लेके जाऊँगा। अरे रेंटल, ये कल तो सही कराया हमने, 1000 रुपये लगा के ले जाने के लिए। ये जाएगा सब ऐसा ही करेगा, अब लोकल क्या कमाएगा यहाँ पर। अरे कमा रहा है ना लोकल, लोकल सर एक से क्या फर्क पड़ेगा, लोकल इतना तो जा रहा है। तो थोड़ा हमने भैया से रिक्वेस्ट वगैरह करा तो छोड़ तो दिया, मगर 100 रुपये का फाइन ले लिया। अब यहाँ ये है यार, ये जो बाइकर्स एसोसिएशन रहते हैं, ये सोचते हैं कि जो रेंट वाला है वो अपना पैसा कमाए, वो ये साफ साफ बोला गया भाई रेंट की बाइक देता हूँ ना मैं, तुम वो लेके जाओ। तो प्रॉब्लम ये थी कि सौरभ की जो FZ है, इस पर लाइसेंस पे तो उसका नाम है, लाइसेंस उसका है, मगर जो RC है वो भैया की है, इसके बड़े भाई साहब हैं जो, तो यही वो कह रहा था कि नाम दोनों पे सेम होना चाहिए। तो वही है यार, बोलने को कुछ भी चीज़ें होती हैं। हमने चलो जल्दी से निपटाया, उसको 100 रुपये फ़ाइन दे दिया, कम से कम जाने तो थे, क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम ज़्यादा प्रेशियस है हमारे लिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर पूछते हैं कि लाइसेंस और गाड़ी पे नाम आपका ही होना चाहिए, मतलब गाड़ी आपकी अपनी होनी चाहिए। क्या नज़ारे आ रहे हैं यार, वाह। ये रोड यार एकदम प्लेन हो गई यहाँ पे, मगर ब्रॉड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो
देख के चलाना पड़ेगा। टायर प्रेशर हमने सुबह चेक कर लिया था और थोड़ा सा कम था, 2-3 पॉइंट, तो उसको मैंने टॉप अप मार दिया अपने इन्फ्लेटर से। बाकी अभी ऑल सेट टू गो। एवरी डे इज अर्थ डे। यस यार, ये क्या नज़ारा है, देखो रोड और इधर ये वैली, ये है असली बाइक चलाने का मज़ा भाई। लड़के की हिम्मत है सौरभ की, सौरभ बोल रहा हूँ, सागर, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज होता हूँ, सौरभ बड़े वाले हैं। खारदुंगला जाएगी आज FZS। यहाँ से एकदम एलिवेशन है और आज FZ मज़े में चल रही है। देखो उस दिन हम जब आ रहे थे तो चढ़ाई पे बहुत दिक्कत कर रही थी, मगर जब कार्बोरेटर का काम हुआ कल, अब एकदम सही चढ़ रही है। कार्बोरेटर थोड़ा सा इसका क्लीन होना था और एक छोटा सा उन्होंने कुछ जुगाड़ टाइप करा, मिस्त्री भैया थे जो, कुछ एक पाइप सा डाला है उसमें, तो अभी एकदम सही चल रही है। हम लोग थोड़े से स्पेक्टिकल थे कि चढ़ पाएगी आज या नहीं, कहीं दिक्कत ना करे, मगर लड़के ने हिम्मत दिखाई, कह रहा नहीं मैं लेके जाऊंगा आज। परमिट दिखाना है, यहाँ पे परमिट है मेरे बैग में। थोड़ा सा सांस फूल रहा है यार, यहीं पे दिखाना है सर। एंट्री हो गई थी यहाँ पे और बस अब निकलते हैं। फ़र्क तो है यार ऑक्सीजन में, और आप थोड़ी भी देर रुकते हो आपको फील होता है। ऐसा नहीं है कि सख्त लौंडे हैं, दर्द तो होता है भाई, सांस तो सबकी फूलती है नहीं, तो छुपाने में क्या हर्ज है, जो है वो है, जो रियलिटी है। ज़्यादा माचो मैन बन के कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अपने भाई शायद आगे निकल गए, चलते हैं हम भी। खारदुंगला थोड़ा ही रह गया है और यहाँ पे थोड़ी सी सड़क टूटी हुई है, थोड़ी क्या हाफ टूटी है, हाफ बनी है। यहाँ पे भी ऑफ रोड पैच है थोड़ा सा, निकलेगी निकलेगी आराम से। मैंने काफ़ी बाइक्स देखी नीचे, चढ़ तो सारी बाइक्स रही है मगर एफर्ट डालना पड़ रहा है, मगर इंटरसेप्टर बिल्कुल आराम से चढ़ती जा रही है जब से। उधर देखो उस पूरा बर्फ का पहाड़ है, ग्लेशियर है पूरा, क्या नज़ारा है यार। ऐसा लग रहा है बादल यहीं पे हैं और सामने पूरा बर्फ ही बर्फ। हाथ एकदम मेरे ठंडे हो गए हैं, मगर थैंक गॉड टू दिस ग्लव्स, ये विंटर BBG के ग्लव्स मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, विंटर और रेन दोनों हैं ये, और मेरे को इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा अंदर। जो मेरे नॉर्मल BBG के ग्लव्स हैं वो अकड़ जाते हैं, ये बहुत कंफर्टेबल है। एंड हियर वी आर फाइनली द माइटी खारदुंगला। यस वी हैव डन इट। हो अ प्राउड मोमेंट, मज़ा आ गया यार। बहुत सारी भीड़ लग रही है यहाँ पे, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है माहौल और सब फोटो खिंचवा रहे हैं अपनी। ऑल माइटी खारदुंगला की। फर्स्ट इंटरसेप्टर 650 मार्क 2, यस इंटरसेप्टर 650 मार्क 2 टू रीच ऑल माइटी खारदुंगला 17,982 फीट अबव सी लेवल। यस भाई खारदुंगला ऑल माइटी 18,000 फीट अबव सी लेवल, इंटरसेप्टर एंड FZ। यस यस भाई, दर बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, ठंड बहुत लग रही है और थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट भी हो गया थोड़ा।
भैया जोश जोश में चढ़ तो गए हैं, मगर भैया की शक्ल पे आपको वो टेरर दिख रहा होगा। भैया आराम से। हाँ, अरे यहाँ से तो कूदी मार दो भैया, डरो मत, कुछ नहीं होता। भैया नोएडा का नाम रोशन करना है, आओ जल्दी। मजा है। हाँ, जूते में इसमें ग्रिप नहीं बनेगा, मेरे वाले में भी नहीं बनेगा, तभी मैं भी नहीं चढ़ रहा हूँ। हाँ देखो इनके चढ़ने का तरीका है, ये रेगुलर है, रेगुलर लोकल लोग है ना। देखो ठंड भी नहीं लग रही, देखो भाई तुम तो चैंपियन आदमी हो। मैं बार बार सोचता हूँ कि कैमरा ऑफ कर दूँ, मगर मुझे हर 5 मिनट बाद ऑन करना पड़ता है, क्योंकि यार ये नज़ारा इतना प्यारा है। देखो तो यार चीज़ क्या है ये। और अब जैसे जैसे हम लोग नीचे उतर रहे हैं खारदुंगला से, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बेटर हो रहा है और ठंड भी थोड़ी सी कम है। और यार यहाँ पे ठंड काफ़ी, एकदम हवा नहीं चल रही है मगर बहुत ठंड है। अभी जब हम एक एंट्री के लिए रुके थे, आपने देखा होगा, वो था साउथ पुलो और ये है नॉर्थ। तो पता नहीं यहाँ पे चेकिंग होगी या क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं मेरे को, चल के देखते हैं। और यार भूख लगी है बहुत ज़्यादा, सुबह से कुछ नहीं खा रखा कसम से, आज तो चाय भी नहीं पी। मैंने बोला था सुबह कि चाय पियेंगे, मगर चाय भी नसीब नहीं हुई है आज। पानी पे जिंदा हूँ सुबह से, और गलत है यार, ये कुछ खा लेना चाहिए था, मगर वो ये पहुँचने के चक्कर में खाने को इग्नोर कर दिया। तो थोड़ा बहुत आप खाते रहिए, मैं भी अभी खाता हूँ कहीं पे रुक के। अपनी बाइक को सब देखते हैं मुड़ मुड़ के, कुछ बात ही ऐसी है भाई इसमें। हाँ जी मार्क टू। अच्छा लग रहा है ना। डेकन एक्सप्रेस है ये, पहला मार्क टू है खारदुंगला करने के लिए। बस हम लोगों ने डिलीवरी ली और आ गए। आप क्या बेकर एक्सप्रेस लाए हो? नहीं नहीं, हम तो फैमिली के साथ आए। अच्छा अच्छा, आओ अब लेके एक बार, बढ़िया है। हम बैंगलोर से आए। हैंडल राइज करा है ना आपने? नहीं नहीं, सेम है, सब स्टॉक है। स्टॉक है सर। हाँ चलते हैं, खाते हैं कुछ। ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे। इंटरसेप्टर के अपने दीवाने इतने भाई, देखो फैन फॉलोइंग देखो तुम इंटरसेप्टर की, मार्क टू की, सॉरी इंटरसेप्टर की तो खैर है ही, मगर मार्क टू की भी कम नहीं है। कहाँ सागर? ये खड़ी अपनी FZ, मगर मैं बाइक को लगाऊंगा थोड़ा सा साइड में, इसके आगे जाके थोड़ी सी खुली जगह में। नीचे उतार दूँ क्या? नीचे उतारता हूँ थोड़ा ना, ऐसे में खड़ी रहे तो सही है, और रास्ते में ठीक नहीं खड़ी करना, इधर खड़ी करते हैं एकदम अलग। यस, ब्लिंकर्स ऑफ, इंजन ऑफ। ओह माय गॉड, आई एम स्टार्विंग लाइक हेल। दूर से दिखा दूं एक बार? वाह, आप लोग भी कहेंगे क्या नौटंकी कर रहा है यार भाई, मगर इस बाइक के साथ नौटंकी हरती है। इस बाइक को मैं कसम से कई बार ऐसा होता है, दूर चला जाता हूँ, दूर जाके रुकता हूँ, फिर देखता हूँ यार कितनी प्यारी लग रही है बाइक। पानी की आवाज़ इतनी सुकून भरी है ना यार, आपको सुनाई पड़ रही होगी पानी की आवाज़। और फ्लो कहीं कहीं पे तेज़ है, कहीं पे हल्का है, और ये सारा पानी ऊपर जो ग्लेशियर है उससे पिघल के आ रहा है, और पानी बहुत ठंडा है, एकदम चिल्ड है। इधर टेम्परेचर ठीक है, ऊपर बहुत कम है यार खारदुंगला में, ये भी 15,000 है और ऊपर है 18,000, तो कम से कम 3,000 का फ़र्क है, तो 3,000 में काफ़ी डिफरेंस बन जाता है। तो भाई बस अब यहाँ से आगे का सफ़र हम लोग अगले व्लॉग में दिखाएंगे आपको, और व्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड। और कैसा लगा आपको माइटी खारदुंगला तक का मेरा सफ़र? तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो होगा नुब्रा वैली का। तो यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।